हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर बताया गया था कि निफ्टी के अंदर बाइंग की पोजीशन ही सही रहेगी और टारगेट के तौर पर तकरीबन आपको 10750 और 10900 के लेवल दिए गए थे। साथ में मैंने बोला था कि एक बार के लिए 10750 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि वहां पर मार्केट के अंदर हम जब तकरीबन 11250 11150 के आसपास से गिरे थे तो मार्केट ने वहां पर एक गैप छोड़ दिया था, और 11900 के अगर आसपास हम जाना चाहते तो उस गैप को फिल करके उसके ऊपर सस्टेन करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने आप लोगों को शुक्रवार की वीडियो के अंदर बताया था कि मंगलवार की छुट्टी होने के चलते 10750 आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा बेहतरीन रणनीति रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आप सब ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। दोस्तों, चलिए आगे के लिए हम निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, देखिए, जो आज के इस वीक की एक शुरुआत हुई वो बिल्कुल बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी, क्योंकि हम जहां पर खुले तकरीबन वहीं का लो बना के ऊपर की तरफ चलते गए। 10750 के आसपास हमने उस गैप को फिल करने की कोशिश की, इवन गैप को फिल कर ही दिया, लेकिन क्लोजिंग होते होते तकरीबन हम 10740 यानी उस गैप का जो नीचे वाला एरिया था उसके आसपास आके क्लोजिंग दी है। वीकली चार्ट्स की बात की जाए तो वीकली चार्ट्स पर लगातार हमने पिछले 5 हफ्ते से तेजी देख चुके हैं, और आज छठे हफ्ते की जब शुरुआत हो रही तो आज भी हमने वो तेजी के नोट पे ही की है। RSI बिल्कुल 60 के ऊपर चल रहा है, कोई भी नेगेटिविटी के संकेत अभी तक वीकली चार्ट्स पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, डेली चार्ट्स की बात की जाए तो डेली चार्ट्स पर हमने इस गैप का जिक्र शुक्रवार की वीडियो के अंदर भी किया था। आज भी देखिए, तकरीबन हम पूरा दिन इस गैप के अंदर ट्रेडिंग करते रहे। इस गैप का जो लो वो तकरीबन 10734 के आसपास है और ऊपर की तरफ तकरीबन 10760 के लेवल है। तो हमने मैक्सिमम टाइम जो दिन के दौरान बिताया वो तकरीबन 10735 से 10760 के बीच में बिताया है, यानी इस गैप के अंदर जो पोजिशन है वो हैंड एक्सचेंज कर रही, कोई बाय कर रहा है, कोई खरीद रहा है, तो देखते हैं कि ये इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, डेली चार्ट्स पर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाना चाहूंगा। अगर पिछले 2 दिन पुरानी ट्रेडिंग को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 दिन की ट्रेडिंग देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट रिटेल क्लाइंट्स को बाइंग का मौका नहीं दे रही। आप देखिए, पहले घंटे के अंदर बाजार के अंदर जो तेजी होती है, उसके बाद हम पूरा दिन तकरीबन एक 20-30 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते रहते हैं। सेम हमें शुक्रवार की जो ट्रेड थी उस दिन देखने को मिला था, हमें आज की ट्रेड के दिन भी सेम चीज देखने को मिली है, यानी कि रिटेल क्लाइंट्स को एंट्री का मौका नहीं दिया जा रहा। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कि बाजार जो की पोजीशंस को जो कैरी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब यह होता कि बाजार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाथों के अंदर है, वो अभी नहीं चाहता कि जो रिटेल क्लाइंट्स है या फिर जो फॉलो बायर्स है वो इसके अंदर कूद जाए और प्रॉफिट लेना शुरू कर दे। तो इस प्रकार के जब बाइंग के मौके बाजार नहीं देता है, जहां पर खुलता है एकदम से तेजी देके वहीं पर कंसोलिडेट करता है, तो समझना चाहिए बाजार बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अगर इलेक्शन का कोई रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो उम्मीद करते हैं हम मई की सीरीज के अंदर ही नए हाई भी बनते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा अहम जो तेजी का पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है वो तकरीबन निफ्टी फ्यूचर्स से दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि कल निफ्टी फ्यूचर्स की बात की जाए तो शुक्रवार के दिन प्रीमियम तकरीबन 30 पॉइंट के आसपास था, लेकिन आज प्रीमियम बढ़ के तकरीबन 40 के ऊपर जा चुका है, यानी कि तकरीबन 13 पॉइंट्स की सिर्फ प्रीमियम के अंदर बढ़त देखने को मिली है। 3.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है आज के दिन। ये हमें दिखा रहा है कि बाजार के अंदर जो फ्यूचर्स के अंदर वो लॉन्ग पोजिशन बन रही है। दोस्तों, एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कॉल पुट्स का जो डाटा है आज तकरीबन एक रेंज क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन कल की छुट्टी होने के चलते बाजार की जो रेंज अभी दिखाई दे रही है एक्सपायरी के लिए वो अभी भी 500 पॉइंट की, यानी कि 10500 नीचे सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है और 10600 ऊपर 11000 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, जहां पर हाईएस्ट कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आइए एक बार के लिए हम क्या करते हैं इस वीक के लिए या वेडनेसडे थर्सडे के लिए कॉल बनाने का प्रयास निफ्टी के अंदर करते हैं। दोस्तों, मैंने कल भी बताया था कि 10700 के आसपास जो गैप बना हुआ है उसको फिल करके उसके ऊपर निकलने के बाद एक नई बेहतरीन पोजीशन हमें और बाइंग की बनेगी, जो तकरीबन 10900 के टारगेट हमें देने वाली है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस किसी ने नीचे की तरफ पोजीशन ले रखी है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, वो तो अपनी पोजीशंस को कैरी करते रहे, क्योंकि उनके अंदर अभी कोई रिस्क फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, नई पोजीशन 10750 यानी गैप के अंदर लेना ये बड़ा रिस्की फैक्टर का काम है। तो मैं आपको सुझाऊंगा कि यहाँ के आसपास नई पोजीशन ना ले, यहाँ तो एक बार बाजार 10765 के ऊपर निकलता है तो 10770 10775 के आसपास नई पोजीशन लीजिए, स्टॉप लॉस 10740 का रहेगा, टारगेट 10900 का रहेगा। या फिर अगर आपको बाजार 10700 के नीचे मिलता है तो फिर आपके लिए 10620 के एसएल के साथ 10900 टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आप एजुकेशन टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो कुछ एजुकेशनल वीडियोज हमारे चैनल पर अभी स्ट्रीम कर रही है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ पैटर्न अभी नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपडेट होते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलता हूँ कल दोबारा एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।